नमस्कार। चलिए हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पर ऐसी कोई चीज जो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। नमस्कार। तो कहते हैं ना आजकल कुछ चीजें तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, जहाँ देखो वहाँ पाई जाती है। नमस्कार। ऐसे फ्रेंड्स जो मौसम के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे कई फ्रेंड्स होंगे आपके, जब आपके पास बहुत पैसा हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, तो बहुत सारे फ्रेंड्स तो आपके आसपास रहेंगे। अरे यार चलो आगे चलो, चाय पीने निकलते, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलो, संडे है एंजॉय करो, तो ऐसे फ्रेंड्स आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार। तो ऐसे फ्रेंड्स तो हर किसी के पास, लेकिन जब आपको बहुत आवश्यकता हो, बहुत जरूरी उनकी हेल्प की, उनके सपोर्ट की, और वो आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे दोस्तों को क्या बोलूं, फ्रेंड्स मौसम की तरह बदलने वाले। कैसे मौसम बदलता है, ऐसे क्यों बदल जाते हैं? जब नीड है तो भाग जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास, सब कुछ है, तो वो आपके पास आ जाते, चलो यार हो जाता है। नमस्कार। ऐसे दोस्तों को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। क्या फेयर वेदर फ्रेंड्स? और जो सच्चे दोस्त हैं, जो हर कंडीशन में बेटर हो या बैड हो, वो हर कंडीशन में डटे रहते हैं आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी मतलब कि आपको लीड करने के लिए हमेशा आपका सहयोग करते हैं। नमस्कार। और ऐसे फ्रेंड्स को बोले ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स। तो हम जो ऐसे दोस्त जो मौसम की तरह बदल जाते हैं, वो हर जगह मिलते रहते हैं हमारे लिए। नमस्कार। फेयर वेदर फ्रेंड्स आर एवरीवेयर टू बी फाउंड। नमस्कार। एवरीवेयर मतलब हर जगह पाए जाते हैं, हर किसी के पास मिल जाएंगे वो ऐसे दोस्त। नमस्कार। आपका दोस्त तो कम आपको फेयर वेदर रिलेटिव मिलेंगे, मतलब खासतौर पर आप, अरे आप चिंता मत करो, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप बस मिस कर देंगे, और जब वास्तव में आपको आवश्यकता होगी ना रियल लाइफ में, तो आप उसको 100 कॉल भी लगाओ तो भी वो आपको कॉल भी मिल जाएगा। और फिर दो दिन बाद जब अचानक आपकी मुलाकात होगी उनसे, वो अरे कहीं मैं एक जगह बहुत फंस गया था, अटक गया, आई वॉन्ट स्टॉप समवेयर, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट पिक योर कॉल, तो एक नया बहाना बना के निकल लेते हैं। नमस्कार। नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो फेयर वेदर फ्रेंड्स जो है ना हर जगह पाए जाते हैं। नमस्कार। अगर हम बात करें, जब किसी की मैरिज की बात होती है ना, तो हर पेरेंट्स अपनी लड़की के लिए क्या बोलते हैं, लड़का कैसा हो, कैसा हो, एक ऐसा वर जो जिसकी तलाश हर लड़की को है। इंडियन सोसाइटी में सुयोग्य वर। अच्छा सुयोग्य वर की क्वालिटीज क्या होती, ये क्वालिटी है या फिर शर्त, सही है, डिमांड या बैड, मतलब सरकारी नौकरी है और लड़का अगर इतना बड़ा वेट लेके आ रहा है, मतलब 18 की उम्र में 58 का लग रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई लड़की उससे शादी करे। मैं ये कहूंगा यहाँ पर एज पर एज आई थिंक कोई स्मार्ट लड़की तो मानने वाली होती है, और इन्हीं लोगों में से अगर पूछ लिया जाए तो ये तो कह देंगे नहीं, तो क्या किसी को भी पकड़ के दौड़ी अगले कर रहा हूँ, बात थोड़ी कर रहा हूँ। देखो अब गहरे गहरे नत्थू घेरे वाली बात आ रही है ना, फेरा गहरा नत्थू घेरा कहते ना, फेरा गहरा नत्थू घेरा,
कभी कभी आता है ना डिस्कशन, तो गहरा गहरा नत्व गहरा को इंग्लिश में बोलते हैं टॉम डिक एंड हैरी, टॉम डिक एंड हैरी, टॉम डिक एंड हैरी, गेस्ट स्टार गहरा गहरा नत्व गहरा का जो कुछ भी नहीं करते हैं, जिनका जो सोशल स्टेटस स्टैंडर्ड होता है वो कुछ भी नहीं है, एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन उसको बोलते हैं टॉम डिक एंड हैरी। किसी इंडियन अगर मैं कहूँ कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें कई लीडर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग आप लोग कोई तवज्जो ही नहीं देते, कई लीडर्स ऐसे हैं, रियल बता रहा हूँ, तो वो क्या है, देव विराट कोहली एक ऐरा गहरा नत्थु गहरा प्लेयर नहीं है। लेफ्ट स्टार्ट जो अभी उसकी बातें कर रहे हैं कई लोग कि अरे वो ऐसा है, वो अभी कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वो ऐसा वैसा नहीं है। लेफ्ट स्टार्ट विराट कोहली जुझारू प्लेयर है, जिस दिन सितारे चमकेंगे ना उसके समझ जाओ कि सुर्खियों में एक ही नाम होगा। लेट्स स्टार्ट आदमी अगर हम बात करें तो सुर्खियों में विराट कोहली का ही नाम चल रहा है, जब देखो न्यूज पेपर में खबर छप रही है, जिस चैनल पर देखो उस पर विराट कोहली छाए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट तो कहते हैं सुर्खियों में आजकल विराट कोहली चल रहा है। लेट्स स्टार्ट जब आप किसी स्पेशल ग्रुप का अटेंशन खींच लेते हैं, मतलब चारों तरफ हर दिशा में आप ही की बात हो रही है, तो समझ जाए आप सुर्खियां बटोर रहे हैं, मतलब कि आप चर्चा में बने हुए हैं। लेट्स स्टार्ट चर्चा में बने रहना इन लाइम लाइट, इन लाइम लाइट, सुना लिया। लेट्स स्टार्ट तो आजकल कौन है लाइम लाइट में, विराट कोहली इज इन लाइम लाइट दीज डेज, आजकल की बात करें तो विराट कोहली मतलब लाइम लाइट में है, ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा हिंदुस्तान में और भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जो सुर्खियां बटोर रहा हो, बहुत पॉपुलर हो, बहुत ज्यादा मतलब चर्चाओं में बना हो, है जब से प्रधानमंत्री बने हुए वो तो तब से लाइफ लाइफ में। अगर मुझे ये बोलना है कि जो क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जब से सीएम बने तब से अभी तक सुर्खियां बटोर रहे हैं हर जगह, मतलब जहां जाते हैं छा जाते हैं। लेट्स स्टार्ट तो उनके लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैज बीन इन लाइमलाइट सिंस ही बिकेम सीएम ऑफ इंडिया। इंडिया के जब से वो पीएम बने हुए हैं, मतलब कि इंडिया के पीएम बने जब से ये सुर्खियों में है, यस नहीं ऐसे नहीं, जब से आए तो उन्होंने हर साल कुछ ना कुछ बेहतर किया है, कर भी रहे हैं और आगे भी बढ़े रहेंगे सुर्खियों में। लेट्स स्टार्ट। अच्छा आने वाले टाइम में सुर्खियों में कौन होगा, जैसे अभी पांच राज्यों में इलेक्शंस होंगे, उनकी तैयारी चल रही है ना, तो अच्छा कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर इलेक्शंस होंगे, अभी फाइव स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, कौन कौन से स्टेट्स, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, गोवा,
ऐसी ना हो जो लोग एक्सेप्ट ना करें, तो आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर एडमायर करें, आपको आपके परफॉर्मेंस की एडमायर करें, नेक्स्ट स्टार्ट चलेगा, खैर कोई बात नहीं है। तो कहते हैं वो दिन दूर नहीं है जब आप भी सुर्खियों में होंगे, द डे इज नॉट सो फार, वो दिन दूर नहीं है, द डे इज नॉट सो फार। एक दिन आप भी तहलका मचाओगे, आप भी बहुत सक्सेस प्राप्त करोगे, नेक्स्ट स्टार्ट वो दिन दूर नहीं है, द डे इज नॉट सो फार। यू विल रॉक द वर्ल्ड, आप भी दुनिया हिला दोगे। एक दिन मेहनत करो, आगे चल के आपको भी बहुत सारा प्रोग्रेस मिलने वाला है, नेक्स्ट स्टार्ट। कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब आप जल्दी ही सफल होंगे, नेक्स्ट स्टार्ट। द डे इज नॉट सो फार, क्या यू विल सक्सीड, नेक्स्ट स्टार्ट। तो वो दिन दूर नहीं है, नेक्स्ट स्टार्ट। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट वो दिन दूर नहीं है।